एसएससी जीडी क्या होता है? तो दोस्तों यह वह वैकेंसी है जिसके थ्रू आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ। इस वैकेंसी के थ्रू आप इन सभी फोर्सेज में जा सकते हैं। और दोस्तों यह एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसके थ्रू आप देश की सेवा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट हो जाती है और 70,000 तक पहुंच जाती है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रमोशन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की कि आपको नौकरी कहाँ करनी हो। दोस्तों इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, जिसमें से ज़्यादातर एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर आपकी पोस्टिंग आती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। 18 से 23 साल इसमें एज लिमिट होती है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है और एक्स सर्विस मैन को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज लिमिट 18 से 23 साल होती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है जीके, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है मैथ, चौथा है इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश हिंदी में आपकी चॉइस होती है। इसमें आपसे हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पूरे पेपर करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है और हाफ नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में और फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 8.5 मिनट में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाती है। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल की चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद कट ऑफ जारी होगी और आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें ओवरऑल इसकी कट ऑफ की, तो दोस्तों इसकी कट ऑफ 130 प्लस ही रहती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।